अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार घूम घूम के कृषि कार्य करने लगी और फिर उसके कारण बाद में स्थायित्व आया। और जब स्थायित्व आया तो धीरे धीरे जो हमारा समाज मातृ सत्तात्मक था वो पुरुष सत्तात्मक की ओर प्रवृत्त होने लगा। बड़ा भूमिका निभाती है। तो मैं आपको बता रही थी मातृ सत्तात्मक उस समय समाज हुआ करता था। जब कृषि आई, हमारे यहाँ एक और मान्यता है, आप लोग भी शायद इससे अच्छे तरीके से परिचित होंगे। ऐसे होते हैं जो महिलाओं को आने नहीं देते, ये एक साधारण एक हमारा मत था। लेकिन मैं थोड़ा सा एक जो उदाहरण मैंने आपको नदी का दिया था उसी बात पर जाना चाहूंगी कि नदी के रास्ते में भी बहुत से बोए जाते हैं, उनके जो फसल आती है मतलब वो जवारे कितने बड़े हुए हैं कितने हरे हैं उसके आधार पर अगली फसल की घोषणा कर दी जाती है कि इस बार फसल ऐसी होने वाली हो। बहुत ज्यादा समय होने के बाद भी कोई परिणाम नहीं, ऐसा होता है। तपस्या करने वाला सोचता है कि मैं तो इतने दिनों से तपस्या कर रहा हूं। समाज में पुरुष प्रधान समाज है, पितृ सत्तात्मक समाज है, ऐसा बार बार कहा जाता है ना, और आप भी मानते हो। अभी थोड़ी देर पहले हम सब बैठे थे चर्चा, किस तरह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? संवर्धनी चिंतन भारतीय स्त्री का इस विषय को लेकर देवास जिले का कार्यक्रम सरस्वती विद्या मंदिर मुखर्जी नगर में रखा गया था, जिसमें कि 1500 महिलाओं ने भाग लिया। इसमें 3 सत्र हुए थे। प्रथम सत्र हुआ था उद्घाटन सत्र, द्वितीय सत्र चर्चा का विषय था। चर्चा के विषय थे महिलाओं का की शिक्षा, महिलाओं का स्वास्थ्य और महिलाओं के संस्कार। इस तरह से 3 विषयों को लेकर के महिलाओं से चर्चा की गई थी कि अगर 3 विषयों पर ध्यान दिया जाए तो हमारा परिवार शिक्षित होगा, संस्कारी होगा और स्वस्थ होगा, जिससे हम स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र, शिक्षित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। इसमें जो महिलाएं थी शहर से थी कि जिले से भी महिलाएं? इसमें जिले से भी महिलाएं आई थी, करीब 500 महिलाएं हमारे जिले से थी। ठीक है दीदी, आपका नाम? इंदिरा शर्मा, मैं इसकी विभाग संयोजक हूँ।